ये है दिल्ली दर्पण। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पेशे से दर्जी एक व्यक्ति ने चिकन फ्राई खरीदने को लेकर हुई बहस के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी की गर्दन में कैंची घोंपकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी और कहा कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोनी क्षेत्र के कार्यवाहक अपर पुलिस आयुक्त सिद्धार्थ गौतम ने शनिवार को कहा, लोनी पुलिस थाने के तहत प्रेमनगर कॉलोनी के शहीद हुसैन को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि पेशे से दर्जी शहीद ने शुक्रवार रात बहस के बाद अपनी पत्नी नूर बानो, जिसकी उम्र 46 वर्ष थी, उसकी गर्दन में कैंची घोंपकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि पत्नी को अस्पताल ले जाया गया है और उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि यह घटना तब हुई जब पत्नी ने शहीद को बाजार से चिकन फ्राई खरीदने के लिए कुछ पैसे देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि शहीद को चिकन लेने के लिए पैसे देने से इनकार करने के बाद उसकी पत्नी बाहर गई और खुद चिकन खरीद कर लाई। पुलिस ने बताया कि इस बात पर फिर दोनों के बीच बहस हुई और इस दौरान शहीद ने पत्नी नूर बानो की गर्दन पर कैंची से वार कर दिया। पुलिस ने कहा कि हमले के कारण घायल नूर बानो को उसके बच्चे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। ये घटना नूर बानो के बच्चों के सामने हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ घंटे बाद उसके पति शहीद को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता देंगे, यूपी के गाजियाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, वो भी केवल चिकन फ्राई को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।